साथियों, एनडीए सरकार मानती है कि किसी भी क्षेत्र के लोगों का विकास भेदभाव से नहीं, सद्भाव से होता है। भेदभाव से नहीं, सद्भाव से होता है। इसी सद्भावना का परिणाम है कि लंबे इंतजार के बाद ऐतिहासिक बोडो एकॉर्ड वहां तक हम पहुंच पाए। अनेक माताओं के आंसू पहुंचने, अनेक बहनों की पीड़ा को दूर करने के लिए हम सभी ने मिलकर प्रयास किया है। मैं जब पहले कार्यक्रम में आया था, इतनी बड़ी तादाद में तब से लेकर मैं देख रहा हूं, माताएं बहनें बढ़ चढ़ करके उत्साह के साथ आती है। तो मैंने यहां कुछ जो विश्लेषण करने वाले लोग थे, हमारे कार्यकर्ता नहीं, बाहर के लोग, उनको मैंने पूछा कि इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें ये पॉलिटिकल सभा में इतनी मात्रा में क्यों आती है। उन्होंने मुझे जो बताया, मेरे लिए सचमुच बहुत मन को सुकून देने वाला था। उन्होंने कहा, देखो भाई, हर मां को अपना बच्चा प्यारा होता है, लेकिन जब बच्चा हथियार उठा करके जंगलों में चला जाता है तो मां के आंसू कभी रुकते नहीं है। आपने बोडो एकॉर्ड करके उनको मुख्य धारा में वापस लाए हो, उनको बच्चे वापस मिल गए हैं, उनको मन में विश्वास हो गया है कि हम हमारा बच्चा बड़ा होकर के बंदूक उठा करके नहीं चला जाएगा। इसलिए आज मुझे पूरे असम से, खास करके बोडो इलाके की माताओं बहनों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज भी मेरी नजर जहां पहुंच रही है, माताएं बहनें ही मुझे दिखाई दे रही है। ये माताओं बहनों के आशीर्वाद, माताएं बहनें, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके बेटे के सपने पूरा करना, इसके लिए हम लगे रहेंगे। आपके बेटों को अब बंदूक न उठानी पड़े, आपके बच्चों को जंगलों में जिंदगी न गुजारनी पड़े, आपके बच्चों को किसी गोली का शिकार न होना पड़े, इसके लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है। आपके आशीर्वाद की ताकत से ये होके रहने वाला है, माताएं बहने, ये होके रहने वाला है। और पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं शांति का कैसा माहौल बनता चला जा रहा है, और प्रमोद जी जैसे नेतृत्व में हमारे सारे साथी जिस प्रकार से लगे हैं, शांति, सद्भावना, एकता, यही हमारे कल्याण का मार्ग है। कांग्रेस सरकार ने अपने समय में असम को हिंसा, बम बंदूक का लंबा दौर दिया, वहीं एनडीए सरकार असम के हर साथी को साथ लेकर शांति और समृद्धि के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। भाई और बहनों, जिन्होंने अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में बिता दिए, मुख्य धारा में वापसी के बाद उनका साथ देना हम सभी की जिम्मेदारी है। जो अभी भी किसी कारणवश नहीं लौट पाए हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि असम के बेहतरीन भविष्य के लिए, आपके स्वयं के बेहतरीन भविष्य के लिए हिंसा का मार्ग छोड़िए। आत्मनिर्भर असम के संकल्प की सिद्धि के लिए आपकी भी जरूरत है। असम अकॉर्ड के तहत जो भी बातें तय हुई है, उन पर काम तेजी से जारी है। हर जनजाति की आकांक्षाओं को, सभी के हित को ध्यान में रखते हुए असम की सरकार के प्रयास निरंतर चल रहे हैं। जिस प्रकार बरसों पुरानी समस्याओं की शांति के साथ हल किया गया है, उसी प्रकार बची हुई समस्याओं का भी समाधान तलाशा जाएगा।